हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन का आप जेंट्स स्वेटर बना सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन आप इस डिज़ाइन का बना सकते हो, बेबी प्रोजेक्ट पे, गर्ल्स टॉप पे, ऑल प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। टोटल 12 सिलाई में ये डिज़ाइन बनता है। देखिए इस तरह से ये जिग-जैग वाला डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा आसान सा डिज़ाइन है। 12 रो का ये रिपीट पैटर्न है और डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे जो चाहिए वो लेने हैं हमने 10 के मल्टीपल पे, यानी कि 10-10-10-10 करके हमने फंदे लेने हैं। लास्ट में हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। पूरी सिलाई पे हमने जो फंदे लेने हैं वो 10-10-10-10 करके लेंगे और 3 फंदे, केवल 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हम फंदे रखेंगे तो ये प्यारा सा डिज़ाइन हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बैक साइड देखिए इसकी, उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखता है, उल्टी तरफ से भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ये है इसकी राइट साइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुनाई करना। बुनाई डिज़ाइन बनाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इस पर मैंने डाले हैं 10-10 फंदे, मैंने 2 बार डाले हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। 10 × 20 और प्लस 3 एक्स्ट्रा है तो टोटल ये 23 फंदे हैं, 23 स्टिचेस टोटल हैं। पहली सिलाई हम राइट साइड से लगाएंगे, यानी कि सीधी तरफ से हमने पहली सिलाई बनानी है। तो ध्यान से देखिएगा, 12 सिलाई का डिज़ाइन है और 12 की 12 सिलाइयां आप ध्यान से देखेंगे। पहला फंदा एस स्टिचेस से सीधा उतारेंगे, इसके बाद धागा आगे कर देना है, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, धागा अपनी तरफ लेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इसके बाद धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। अब देखिए इस एस स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 10 फंदों के डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे, 3 उल्टे 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधा और 2 उल्टा, ठीक है। फिर से देखिए, 3 उल्टे, 1, 2 और 3। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे 5 फंदे उल्टे हो जाते हैं। धागा पीछे 2 सीधे, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, धागा पीछे 2 सीधे और धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे, एस स्टिच को बनाएंगे सीधा। तो पहली सिलाई हमने इस तरह से बनानी है, ठीक है। 3 उल्टे 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, फिर बीच बीच में हमारे 5-5 फंदे उल्टे आएंगे, 5 उल्टे 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे 2 सीधा, 1 उल्टा 2 सीधा। इस तरह से हमने फर्स्ट रो बनानी है। किनारे किनारे पे हमारे 3-3 फंदे उल्टे आएंगे, 3 उल्टे यहाँ पे और 3 उल्टे यहाँ पे, एक एस स्टिच और इस साइड भी एक एस स्टिच। पहली सिलाई हमने इस तरह से बनानी है। अब देखिए सेकंड रो बैक साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जो हमने उधर से उल्टे बनाए हैं उन्हें इधर से सीधा बनाना है। सारे फंदे हमने ऐसे ही करने हैं और जो उल्टे सीधे यहाँ से बनाए हैं उस साइड से, इस साइड से उन्हें उल्टा बुनेंगे। देखिए 2 उल्टे, धागा पीछे 1 सीधा और 2 उल्टे, फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे। उस साइड से हमने 5 फंदे उल्टे बनाए थे तो इस साइड से 5 फंदे सीधे बनाए जाएंगे। धागा अपनी तरफ 2 उल्टे, धागा पीछे 1 सीधा, धागा अपनी तरफ 2 उल्टे, धागा पीछे 3 सीधे, 1, 2 और 3, एस स्टिच को बनाएंगे उल्टा। तो जो ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, इन्हीं 2 सिलाइयों को फिर से हमने रिपीट करना है। सीधी तरफ से फर्स्ट रो जैसे बनाएंगे, जो फंदा जैसे दिखाई देगा उसे वैसे बनाएंगे और बैक साइड से भी जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बनाना है। यानी टोटल हमने 4 सिलाइयाँ एक जैसी बनानी है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ टोटल लगा ली हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने आपको पहले बना के बताई थी, अब 2 सिलाइयाँ मैंने और लगाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट रो और सेकेंड रो बनाई थी। अब हमने आना है 5वीं सिलाई पर। 5वीं सिलाई पे राइट साइड से, 5th रो राइट साइड जब आएंगे तो देखिए पहला फंदा तो एस स्टिच से सीधा ही उतारेंगे, इसके बाद धागा हमने आगे कर देना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक फंदा तो हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए 1, 2, 3 और 4,
इस चौथे सीधे फंदे को पहले इस तरह से बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, यानी कि दो फंदे यहाँ पे ये सीधे हो गए और जो ये दो फंदे बचे इन्हें हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से हम इन चार फंदों का बनाएंगे, फिर एक जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसे हमने उल्टा ही बनाना है। अब देखिए, अब एक दो तीन चार, इन चार फंदों को भी हमने ट्विस्ट करना है, तो इस वाले फंदे को हमने यहाँ ले जाना है और इन तीन फंदों को आगे लाना है। तो इसके लिए हमने पहला फंदा नीचे गिराएंगे सीधा वाला और तीन फंदों को सिलाई पे लेंगे और अब इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को हमने, देखिए इस फंदे को हमने यहाँ ले जाना है, धागा अपनी तरफ लेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे पहले और दो फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से खुलेगा। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे कर देना है। फिर से हमने देखिए दो उल्टे और दो सीधे, चौथे नंबर के सीधे फंदे को लेंगे और इसे पहले बुनेंगे, एक फंदा ये सीधा फिर एक और फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, धागा आगे करके अब जो ये दो फंदे बचे इन दोनों को उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब इस उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब इस वाले सीधे फंदे को हमने यहाँ पे लाना है, तो इसके लिए हमें इस फंदे को नीचे गिराना होगा, फिर इन तीन फंदों को पीछे से आगे लाना है और इस सीधे फंदे को आगे से पीछे ले जाना है ऐसे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो उल्टे और दो सीधे, लास्ट में एक फंदा बचेगा उल्टा। तो इस तरह से ये हमारी फिफ्थ रो यहाँ पे बनेगी। एस स्टिच को बनाएंगे सीधा, पांचवी सिलाई हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी। अब आएगी हमारी सिक्स रो बैक साइड, उल्टी तरफ से देखिए, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देंगे, एक फंदा बनाएंगे सीधा, धागा अपनी तरफ लेंगे, दो फंदे बनाएंगे उल्टे, दो उल्टा एक सीधा फिर दो उल्टा, सॉरी दो उल्टे बुनने के बाद पांच फंदे हमने सीधे बनाने हैं। एक ही हमने बना लिया है, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद दो फंदे उल्टे बनाने हैं, एक फंदा सीधा बनाना है, फिर दो फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और स्टिच उल्टा। तो ये हमारी सिक्स रो यहाँ पे इस तरह से बनेगी। अब जो फंदा हमने जैसे हमें जैसे दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बनाना है सेवेंथ रो में। देखिए पहला फंदा स्टिच है, इसे सीधा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे, ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा ही बनाएंगे, दो सीधे, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सेवेंथ रो यहाँ पे बनेगी। अब हमारी आएगी एट्थ रो बैक साइड, आठवीं सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे स्टिच को, इसके बाद एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे, जो फंदा हमें जैसे दिखाई दे रहा है उसे हमने वैसे ही बनाना है, पांच फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लेके दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक सीधा, धागा आगे करके दो उल्टे, फिर पांच सीधे, एक दो तीन चार
5, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और स्टिच उल्टा। अभी हम 8वीं सिलाई हमारी चल रही है। अब देखिए 2 सिलाई हमने और लगानी है, बिल्कुल जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसे वैसे ही बनाना है। यहाँ पे देखिए जो फंदे हमने जैसे दिखाई दिए हैं वैसे ही हमने बनाना है, उल्टी तरफ से भी हमने वैसे ही बनाना है। 2 सिलाई और लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस पे मैंने 2 सिलाइयाँ और लगा ली हैं, बिल्कुल जो फंदा जैसे दिखाई दिया है उसे ही मैंने वैसे ही बनाया है। तो टोटल इस तरह से यहाँ पे ये 10 सिलाइयाँ बन गई हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी 10 सिलाइयाँ हैं। अब देखिए 11वीं सिलाई, 11th रो राइट साइड, पहला फंदा स्टिचे से सीधा उतारेंगे, धागा आगे कर देंगे, इस उल्टे फंदे को उल्टा ही बनाएंगे, ठीक है। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये 1, 2, 3, 4 इन 4 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो देखिए पहले फंदे को नीचे गिराएंगे और इन 3 फंदों को सिलाई पे लेंगे, 2 और 3, और इस फंदे को लाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लाना है। फिर इन 3 फंदों को लेफ्ट नीडल में रखेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे ही, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद 2 फंदे बचेंगे, दोनों को सीधा बनाना है इस तरह से। पहले ये इधर को हुए, फिर ये इधर को हो गए, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, अब इस फंदे को हम पहले बुनेंगे, 4th फंदे को पहले बुनेंगे और फिर इसके बाद 1 फंदा और, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और 2। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद इस उल्टे फंदे को उल्टा बनाना है और देखिए ये वाला फंदा जो है यहाँ पे हमारा जाएगा। इसके लिए इस फंदे को हमने नीचे गिराना है और 3 फंदों को सिलाई पे लेना है, फिर इस फंदे को उठाएंगे और यहाँ पे सिलाएंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे, 1 और 2, ये देखिए इस तरह से। फिर 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4 इस 4th फंदे को लेंगे, इसे इस तरह से सीधा बुनेंगे, 1 फंदा ये सीधा और 1 फंदा ये सीधा, 2 सीधे और 2 उल्टे, 1 और 2, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। फिर लास्ट में 1 फंदा उल्टा बनाना है और स्टिच सीधा बनाना है। ये हमारी 11वीं सिलाई यहाँ पे ये बनी है। अब 12वीं सिलाई आएगी हमारी उल्टी तरफ से, 12th रो बैक साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देंगे। इसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1, 2 और 3, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, लास्ट में 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3, स्टिच को उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से ये 12 सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो देखिए इन्हीं 12 सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करना है। फिर से हमने पहली सिलाई यहाँ पे लगानी है, 3 उल्टे, 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा, यानी कि जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसे हमने वैसे ही बनाना है। तो इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार हम रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनता है, बार बार बनाओगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन दिखेगा आपका। आप इस डिज़ाइन को लाइट कलर की स्वेटर में बनाइए या डार्क कलर में बनाइए, दोनों ही कलर में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। तो बनाइए इसे और मुझे कमेंट करके बताइए आपके स्वेटर पे डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।